putting customer needs first, we decided to develop a unique solution for Indian roads. Presenting the Ashok Leyland Intelligent EGR. मेरा नाम परेश पटेल है, मैं राजकोट से बिलोंग करता हूँ. मेरी कंपनी का नाम जेगनेस ट्रांसपोर्ट है. ये कंपनी मेरे फादर ने 1992 में स्टार्ट की थी. मेरे फादर ने 1972 में इंडियन रोड का पेट्रोल पंप हमें कॉन्ट्रैक्ट पेट्रोल पंप का रिटेल आउटलेट मिला था. उसकी खुद की सप्लाई के लिए हमें एक टैंकर की ज़रूरत थी, तो पहली गाड़ी हमें उस टाइम पर अशोक लेलैंड परचेस की थी. उसके बाद इंडियन ऑयल का हमें ऑल ओवर सौराष्ट्र का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये पेट्रोल डीजल सप्लाई का. तो उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में डाइवर्ट हुए. उसके बाद हम LPG का इंडियन ऑयल का बिजनेस स्टार्ट किया. उसके बाद जब रिलायंस और SR जामनगर रिफाइनरी स्टार्ट हुई, तो तब स्टार्टिंग से हमारा वहीं पे पेट्रोल डीजल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है. अभी हमारे पास कुछ टोटल मिला के 105 टैंक और ट्रक्स है जो LPG और पेट्रोल डीजल में चल रहे हैं, और उसमें से 80 गाड़ी अशोक लेलैंड है और बाकी दूसरी कंपनी की 25 मॉडल्स हैं. हमारा जो इंडियन ऑयल का LPG सिलेंडर का कॉन्ट्रैक्ट है वो राजकोट डेपो, भावनगर डेपो और अहमदाबाद डेपो का कॉन्ट्रैक्ट है. उसमें हमारी गाड़ियाँ मेनली सौराष्ट्र और कच्छ और ऑल ओवर गुजरात और राजस्थान में चल रही हैं. हमारा इसके अलावा इंडियन ऑयल, BPCL, रिलायंस और SR का भी पेट्रोल डीजल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है, जो गाड़ियाँ जामनगर से लोड होके ऑल ओवर इंडिया में चल रही है. हमारे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हमें रेगुलर इंटरवल पे गाड़ियाँ परचेस करने की ज़रूरत होती है. तो अप्रैल 2017 के बाद यूरो 4 के नॉर्म्स के हिसाब से हमें जब गाड़ी की जरूरत परचेस करने की ज़रूरत हुई, तो हमने अशोक लेलैंड और दूसरी कंपनी को अप्रोच किया. तब हमने पाया कि अशोक लेलैंड में IEGR जो टेक्नोलॉजी है उसमें अलग से टैंक नहीं आता, और उसमें वो AdBlue मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरी कंपनी में अलग से टैंक आता है और उसमें AdBlue डालना पड़ता है. तो उसका प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वो उसका AdBlue का जो स्टॉक रखना और उसका जो कॉस्टिंग, एडिशनल कॉस्टिंग आता है, वो हिसाब से हमने तय किया कि हम अशोक लेलैंड IEGR में जाएंगे. तो हमने गाड़ी उसके बाद जून 2017 में दो गाड़ी ये ट्रायल पे यूरो 4 परचेस की अशोक लेलैंड से. उसके बाद हमने पाया कि उसमें पहले से थोड़ा माइलेज भी अच्छा है, और जो ये AdBlue का जो सेविंग है ना, वो भी हर महीने कुछ 5000 रुपये का कुछ अलग से सेविंग हो रहा है. तो उसके बाद हमने और गाड़ियाँ जो परचेस की, वो सब अशोक लेलैंड की ये IEGR टेक्नोलॉजी वाली परचेस की है, और अभी वही परचेस कर रहे हैं आगे से. हमारे पास अशोक लेलैंड BS 437 वेट के 6 टैंकर्स है, और इस गाड़ी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें AdBlue डालने की ज़रूरत नहीं है. जो दूसरी कंपनी में अलग से टैंक आती है वो इसमें नहीं है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्वेंट्री का स्टॉक रखना पड़ता है, और कभी कभी खाली हो जाता है ये केमिकल, वो सब झंझट इसमें निकल जाती है. तो ये सब चीज़ें, और दूसरा माइलेज अच्छा है, तो ये सब चीज़ भी ला के हर महीने हर गाड़ी में कुछ 10,000 का सेविंग्स हो जाता है, और ये गाड़ी पहले से ज़्यादा कम्फर्टेबल है. हमारे पास जो 20 साल से गाड़ियाँ चला रहे ड्राइवर, उसका कहना ये है कि ये गाड़ी पहले से ज़्यादा स्मूद है, ये चलती है, स्मूथली चलती है, और उसकी वजह से वो ज़्यादा ट्रिप कर पाते हैं. हमारी गाड़ियाँ जो रूटीन सर्विस में जाती है, तो उसमें हम पहले से एडवांस बुकिंग करवा लेते हैं, ताकि जब हमारी गाड़ी सर्विस सेंटर पहुँचती है तो तुरंत सर्विसिंग स्टार्ट हो जाती है. और अशोक लेलैंड का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सब पार्ट्स सर्विस सेंटर में अवेलेबल होते हैं, तो उसकी वजह से तुरंत गाड़ी सर्विस होकर ऑन रोड हो जाती है, और इससे हमारा काफ़ी टाइम सेविंग होता है और बिजनेस में ज़्यादा टर्नओवर होता है. और इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी गाड़ी ब्रेकडाउन होती है, तो कंपनी का टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, उसमें कॉल करने से तुरंत सर्विस का सपोर्ट मिल जाता है और तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाती है. अशोक लेलैंड का जो स्लोगन है, आपकी जीत हमारी जीत, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आज कंपनी जो जो नए
मॉडल आ रही है मार्केट में और जो उन्होंने बदलाव कर रही है उसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। आज हम हमारे कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से कस्टमर और हमारा दोनों का बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो इसकी वजह से कंपनी का जो स्लोगन है आपकी जीत हमारी जीत, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ।